हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस जी कि हमारे कंट्री से अभी कोरोना तो गया नहीं है, बट बहुत ही बड़ा एक वायरस था जो शायद कोरोना से ज़्यादा फैला हुआ था, वो हमारे कंट्री में अभी नहीं है। वो पूरी तरह बैन कर दी गई है और हमारे अभी प्ले स्टोर में भी वो अवेलेबल नहीं है, ना कि ऐप स्टोर में है ना ही प्ले स्टोर में है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। और टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उनको $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। जी हाँ, मैं $6 बिलियन की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो लॉस हुआ है। तो कभी आपने सोचा है कि ये $6 बिलियन का लॉस हुआ है, या फिर पहले इतने सारे बेनिफिट्स होते थे टिकटॉक को, ये टिकटॉक की कंपनी इतने सारे लॉस में गई, ये सभी बोलते हैं कि नहीं इतना लॉस होगा, इतना पैसा का नुकसान होगा, तो आखिर टिकटॉक अर्न कहाँ से करती थी? टिकटॉक छोड़ के भी और ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो है, जो हमारी बहुत सारे वेबसाइट है, वो सब अर्न कहाँ से करती है और कैसे करती है? जैसे हमें फेसबुक में इतना सारे फैसिलिटीज़ मिलता है प्रोफाइल क्रिएट करने का, या फिर पेज क्रिएट करने का, या फिर वीडियोस देखने का, या बहुत कुछ सारा जो मिलता है, वो फेसबुक अर्न कहाँ से करती है, या फिर टिकटॉक अर्न कहाँ से करती है? जो हमारी गूगल जो है हर चीज़ का जवाब सेकेंड में दे देती है, वो आखिर उनको क्या फ़ायदा होता है? हमारे जो हम सर्च करते हैं वो तो मेरा हम लोग का फ़ायदा होता है कि हम उससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ एक सेकंड में कहीं भी क्या हो रहा है तुरंत अपना गूगल में टाइप किया और तुरंत हमको आंसर में बड़े से बड़ा क्वेश्चन का हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि उनको कहाँ से बेनिफिट होता है, उनको कैसे उनको क्या फ़ायदा है ये सब करके? तो जी हाँ, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आज मैं इसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा कि ये हमारे जो इंटरनेट सेवा जो देती है, जो हमें गूगल सर्च इंजन हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, या फिर टिकटॉक हो गया, ये लोग को अर्निंग कहाँ से होती है, कहाँ से ये पैसा कमाती है, जो उनको क्या फ़ायदा होता है? जो फैसिलिटीज़ होती है वो तो हमारे लिए होती है, बट उनको कहाँ से बेनिफिट होता है और कैसे उनको बेनिफिट होता है, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ओके दोस्तों, ये सब बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और पसंद लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं डिटेल में जो भी बताने वाला हूँ आपको समझ में आए, और लास्ट तक देखिएगा तो कुछ समझ में आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज ऐसा वो माहौल हो गया कि सारा कुछ डिजिटाइजेशन हो गया, टोटल डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड करता है हर चीज़। आपको कोई ब्रांड प्रमोशन करना है, या फिर कहीं बैनर का लगाना है, तो बैनर भी आजकल इंटरनेट में लगता है, ना कि रोड साइड में। बहुत ही कम ऐसे ब्रांड होती हैं जो अभी भी बैनर का यूज़ करती है या पॉम्पलेट बांट के अपना प्रचार करती है। सारा कुछ डिजिटल मीडिया में आजकल होता है, जो 90% जो एडवर्ड आ गया सारा डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। तो बस ठीक ऐसे ही जो टिकटॉक भी था, टिकटॉक भी अब टिकटॉक का एक अलग से टिकटॉक एडवर्ड करके उसका प्रोग्राम चलता था, जिसके थ्रू से उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट अर्न होती थी। इस तरह से सेम गूगल का भी, गूगल का अपना गूगल का एडवर्ड चलता है, जिससे वो गूगल के थ्रू से एड दिखा के वो पैसे इनकम करता है। उसी तरह फेसबुक का भी एडवर्ड उसका अलग से होता है। जैसे आप सपोज आप नई शॉप खोले, आपको किसी को बताना है या किसी को प्रचार करना है, तो आप या तो पॉम्पलेट बांटेंगे या तो बैनर लगाएंगे, ऐसे कुछ देखेंगे। आपको किसी को तो या मैसेज करके तो पॉसिबल नहीं है सबको बताना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप बता पाएंगे तो मैक्सिमम आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको फ़ोन करके बता पाएंगे, सारे को तो बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कोई नई, आज आप पॉलिटिशियन हैं, आप नई पार्टी कोई बना रहे हैं, या फिर कहीं से आपको लड़ना है, या कुछ अपना प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना है, या फिर अपना जो काम है वो आपको किसी को दिखाना है, तो सारा डिजिटाइजेशन हो गया है, सब कुछ अब डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। आप कोई पेज क्रिएट करते हैं, या फिर कोई ऐप डेवलप करते हैं, या फिर कोई वेबसाइट है आपका, या फिर आपका कोई वीडियो है, या फिर कोई भी आपको कुछ भी आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप एडवर्ड के थ्रू से आप दिखा सकते हैं। फेसबुक में आप देखे होंगे कि स्क्रॉल करते करते बहुत सारे बीच में ऐड आते हैं, या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई भी आपको
आपका शॉप है या फिर कोई शोरूम है या फिर कोई पर्टिकुलर व्हीकल की कंपनी है, 70-80% जो प्रोडक्ट की आजकल ऐड होती है वो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग में ही होती है, जो हमारी गूगल्स करती है या फिर फेसबुक करते हैं या ट्विटर के जरिए होता है या फिर इंस्टाग्राम के जरिए होता है। उसी तरह से टिकटॉक में भी एडवर्ड चलता था उसका, जो एडवर्ड के थ्रू से वो कहीं आप कभी टिकटॉक इंस्टॉल किए होंगे देखे होंगे तो कभी कभी स्वाइप करते करते कोई प्रोडक्ट का प्रचार आता था, उसमें ऑप्शन आता था या तो शॉप नाउ करके या तो ज्वाइन नाउ करके ऐसे कुछ ऑप्शन आता होगा, आप ध्यान दिए होंगे या फिर इग्नोर भी कर दिए होंगे, बट ये सब ऐड के लिए वो बहुत सारे पैसे अमाउंट चार्ज करती है, बहुत सारे वो भी कम, जैसे प्रोडक्ट हो गया किस रेंज में उसको ऐड करना है, कितने दिनों तक ऐड रन करना है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो पैसे लेती थी। तो ये सब सारा ऐड करने के लिए ब्रांड्स अप्रोच करती है हमारे सोशल साइट्स को, जैसे फेसबुक हो गया या फिर गूगल हो गया, या अप्रोच करती है उसके एडवर्ड के थ्रू से, आप या तो किसी प्रोफेशनल के थ्रू से इसको एडवर्ड में अपना प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हैं, या तो आप खुद से भी इसका सिस्टम होता है, खुद से भी आप अकाउंट क्रिएट करके खुद से भी कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ का एक रेट होता है, जैसे ये मुझे ऐसा मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है मुझे इसको सेल करना है, या तो मैं इसका बैनर बनाऊंगा या तो कोई कंपनी को दूंगा या किसी को बताऊंगा कि हाँ मेरे आप इसको प्रचार कर दीजिए, तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसको प्रचार करेंगे, तो वो प्रचार करने का बहुत ज़्यादा चार्ज लेंगे, और उसके कंपैरिजन में आपको ये सोशल मीडिया के थ्रू से बहुत कम पैसा में बहुत ज़्यादा लोगों तक ये रीच पहुँच जाती है, क्योंकि आजकल लगभग लगभग सब कोई सोशल मीडिया में है, फेसबुक यूज़ करता है, व्हाट्सअप यूज़ करता है, सारे चीज़ में एडवर्ड घुस गया है, और हर सोशल मीडिया में उसका अलग से एक एडवर्ड प्रोग्राम चलता है, जो फेसबुक में भी है, बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप एज के अनुसार भी आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐप है आपके पास या फिर कोई वेबसाइट है जो आपको वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है उसमें होता है, या फिर आप इंस्टाग्राम में जा सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी उसका एडवर्ड चलता है, कोई पर्टिकुलर फैशन ब्रांड हो गया है या फिर कोई भी एक्सेसरीज़ का चीज़ हो गया जिसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, वो इसी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से ही आजकल होता है, और 70-80% जो प्रोडक्ट का ऐड होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही होता है, जो कि हमारे सोशल साइट्स में होता है, गूगल के थ्रू से हो गया या फिर फेसबुक के थ्रू से हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू से हो गया, व्हाट्सअप के थ्रू से हो गया, या फिर आपको पहले जो था वो टिकटॉक, वो टिकटॉक के थ्रू से हो गया। तो 70-80% जो भी प्रोडक्ट का ऐड होता है वो हमारे सोशल मीडिया पर होता है, और इसी के थ्रू से हमारी जो भी जो सोशल साइट्स है इनकी अर्निंग जनरेट होती है। और गाइज ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, ये मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर में इसका इन्वेस्टमेंट होता है, और जो एड में खर्चा होती है सारा ये कंपनी वाले देते हैं इस सोशल साइट्स को। आपने कभी फेसबुक यूज़ करते करते जैसे स्क्रॉल करते गए हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बीच में आ जाता है, इसको नीचे लिखा रहता है शॉप नाउ करके, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप का डिस्क्रिप्शन आ जाता है उसमें इंस्टॉल नाउ करके ऑप्शन आता है, या फिर कोई वेबसाइट में साइन अप करने का ऑप्शन आता है, तो ये सब सारे जो फेसबुक के एडवर्ड है उसके थ्रू से वो कुछ पैसा फेसबुक को कुछ पैसा दे के अपने प्रोडक्ट का या फिर ऐप का या फिर वेबसाइट का लोग प्रचार करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट में पैसा लेती है, जो कि बहुत बड़ा लास्ट में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि मिलियन और बिलियन में डॉलर में चला जाता है। तो बस इसी के थ्रू से हमारे सारे सोशल साइट्स का इनकम होता है, जो इसी में से टिकटॉक का भी इसी से इनकम होता था, जो कि अभी उसका बंद हो गया। कि तो अभी हमारे इंडिया में जो है अभी 65+ करोड़ जो स्मार्टफोन यूज़र है इंटरनेट चलाते हैं, जो अपने फ़ोन के थ्रू से या फिर कंप्यूटर के थ्रू से इंटरनेट यूज़ करते हैं और किसी ना किसी रूप में इंटरनेट कंज्यूम करते ही हैं। तो सोचिए ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेट की दुनिया आज से 2 साल या 3 साल 5 साल बाद इसका नंबर जो है कितना बढ़ जाएगा। तो सोचिए इसमें एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का बाज़ार था टिकटॉक के लिए इंडिया, जो कि अभी उसके हाथ से चला गया। 65 करोड़
आदमी जो इंटरनेट एक्टिव इंटरनेट यूज़र थे अभी इंडिया में, अभी एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं, वो सोचिए ये अमाउंट धीरे धीरे ये जो अकाउंट नंबर है वो 65 से कितना बढ़ते जाएगा, तो सोच लीजिए कुछ दिन बाद ये कितना बड़ा उसका बाज़ार बन जाता। और बहुत सारे फ़ोन में जो टिकटॉक प्री इंस्टॉल भी आता, जो चाइनीज़ फ़ोन में होता है, जैसे Xiaomi हो गया या फिर Realme हो गया या फिर Oppo हो गया, Vivo हो गया, बहुत सारे फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल आती है, जो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल में नहीं करना पड़ता था वो प्री इंस्टॉल आती है। अभी तो नहीं आएगी क्योंकि अभी बैन हो चुकी है, बट पहले होती थी कि ये प्री इंस्टॉल आती थी। तो सोचिए उतना कंपनी जो फ़ोन कितना मार्केट में आता है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल करके देती थी, तो कितना बड़ा बाज़ार था उसका जो अचानक से बंद हो गया, इसलिए उसका इतना लॉस हुआ है। और जहाँ पर मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है कि उसने तो पूरा जोर लगा दिया है कि शायद वो या तो खुद डायरेक्ट ना आके किसी इंडियन कंपनी में वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो वापस आएगी, मगर हमको तो 90% चांस है कि टिकटॉक वापस आएगा। वो खुद डायरेक्ट ना आके भी आप किसी इंडियन कंपनी के थ्रू से, इन्वेस्टमेंट के थ्रू से भी वो आ सकती है। और सिर्फ वही नहीं, इसके साथ अभी गूगल प्ले स्टोर से और भी बहुत सारे ऐप है जो रिमूव कर दी गई है। आप देखिए ये सब जो एप्लीकेशन है वो अभी हाल ही में और भी रिमूव किया गया है। है कि अभी जो अभी हमारे इंडियंस का भी प्रोडक्ट जो हो गया, जो एप्लीकेशन है या फिर किसी भी क्षेत्र में जो हमारे इंडियंस कंपनी है वो भी किसी से कम नहीं, वो एकदम कम्पीट कर रही है। आप देखिए जूम ऐप है, जूम ऐप की जगह में हमारे जियो का खुद का जियो मीट ऐप है, वो जैसे जूम ऐप थी उसमें भी एक साथ 100% के साथ आप चैट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, उस तरह से हमारे जियो मीट ने भी लॉन्च किया है, उसमें भी आप 100% के साथ एक साथ आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर क्लास ले सकते हैं या कुछ भी आप एक साथ कर सकते हैं। वैसे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉरेन की कंपनियां हो गई, जैसे अमेरिका हो गया या फिर दूसरे कंट्री बहुत सारे हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी कर रही है, बहुत सारे ऐसी है, तो हमें खुद इंडिया में रह के हमें हमारे जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि जो पैसा है वो अदर कंट्री में न जाकर हमारी कंट्री में रहे। अभी हाल ही में इंटेल ने 1894 करोड़ रुपया जो है जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर की हैं बट अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट हमें देखना है कि हमें भी अपने इंडियंस एप्लीकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जो भी हमारे यूज़ की ऐप हो पहले हम सर्च करें कि जो इंडियंस कंपनी हमें ऐसे सुविधा दे रही है तो हम उसी का यूज़ करें, ना कि बाहर का। इस तरह से हमारे कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में ही रहेगा, ना कि कोई चाइनीज़ या फिर कहीं बाहर के कंपनी में जाएगा। तो आपने जैसा कि देखा कि इस तरह से एडवर्ड के थ्रू से जो भी एप्लीकेशन होती है जो पैसा इनकम करती है, जो सिर्फ टिकटॉक या फेसबुक या गूगल नहीं, जितने भी ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन होती है वह एडवर्ड के थ्रू से ही पैसा जनरेट करती है और इसी के थ्रू से पैसा कमाती है। जो एड ब्रेक हो गया, जैसे आप यूट्यूब में कभी वीडियो देखते होंगे कि तो उसमें बीच बीच में कभी ऐड आता है, तो उस ऐड के लिए यूट्यूब पैसा लेता है पर्टिकुलर कंपनी से या पर्टिकुलर ब्रांड से पैसा लेती है, इसलिए वो उसके थ्रू से ऐड दिखाती है। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ज़्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम इंटरनेट में बिताती है, इसलिए जो ब्रांड भी होती है वो इंटरनेट के यूज़र को ही ज़्यादा अप्रोच करती है, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर ऐप या फिर वेबसाइट या कुछ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको दिखा सके। आप इसके गूगल का जो एडवर्ड होता है वो खुद से भी, खुद का प्रोडक्ट भी आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है, वो अपना गूगल का एडवर्ड में अकाउंट क्रिएट करके भी आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट है तो उसको बता सकते हैं, या फिर फेसबुक का जो एड प्रोग्रामिंग होता है उसके थ्रू से आप या तो किसी प्रोफेशनल को हायर करके करवा सकते हैं या तो खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। जो कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, पर्टिकुलर अपना कोई ऐप हो या फिर कोई वेबसाइट हो या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो या फिर आप अपने पार्टी किसी जैसे आजकल के पॉलिटिशियन भी एडवर्ड के थ्रू से अपने प्रचार करते हैं अपने पार्टी का, या कोई भी चीज़ होगा, कुछ भी चीज़ आप उसमें प्रचार कर सकते हैं जो कि जेन्युइन होना चाहिए, वो सारा आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को हायर करके भी करवा सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप से हो जाता है। इसलिए आदमी ज़्यादा जो ब्रांड्स होती है जो अप्रोच करती है अभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज़्यादा एक्टिव रहती है।
चाहिए, ना कि टीवी में आजकल की जनरेशन टीवी बहुत कम देखती है, इसलिए टीवी में ऐड आता है तो साबुन और सॉप का और शैम्पू का ही ज़्यादा ऐड मिलेगा आपको। ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो होती है, जो आप एसेसरीज हो गया या फिर कोई फैशन ब्रांड हो गया, ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया में ही एक्टिव मिलेगी। इसलिए पूरा डिजिटल मार्केटिंग जो है अभी इतना बड़ा हो गया है, और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अभी तो 65 करोड़ है एक्टिव यूज़र हैं, अभी कितने नंबर बढ़ेंगे तो सोच लीजिए कितना बड़ा बाजार है इंडिया। इसलिए सारे जो दूसरे कंट्री है जो फोकस कर रही है अभी कि इंडिया में अपना पैर पसारने का, जिस तरह से बहुत ही कम टाइम में टिकटॉक ने पसार लिया था और बहुत ही आदमी के रीच में टिकटॉक आ गया था, और लगभग 2016 में वो लॉन्च हुआ था, 2016 से अभी 4 साल कंप्लीट नहीं किया, 20 कंप्लीट नहीं हुआ, 4 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ और इतना फेमस हो गया था, कितना मिलियंस ऑफ डाउनलोड थे सिर्फ इंडिया, जो जितना भी एक्टिव यूज़र थे टिकटॉक के उसमें से 60% जो थे वो इंडिया में डाउनलोड हुए थे, 60% जो डाउनलोड हुए थे सिर्फ इंडिया में हुए थे, जो खुद की उसकी चाइनीज कंट्री में उसका जो था वो सिर्फ 12% डाउनलोड था, जितने भी टोटल प्ले स्टोर में डाउनलोड्स थे उसमें सिर्फ 12% जो था वो चाइनीज कंट्री में था, बाकी टोटल ज़्यादा सबसे बड़ा अमाउंट जो डाउनलोड था वो हमारे इंडिया में उसका डाउनलोड था। इसीलिए वो अचानक से वो बैन होने पर बहुत ज़्यादा उसका लॉस हुआ है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो फिर से आ सकता है, वो डायरेक्ट ना आके किसी दूसरे ब्रांड के थ्रू से अपना इन्वेस्टमेंट करके भी आएगा, बट हमको जहाँ तक उम्मीद है वो आने का कोशिश करेगा। तो मैंने आपको बताया कि फेसबुक, गूगल या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम कैसे पैसा जनरेट करती है और एडवर्ड के थ्रू से कैसे पैसा कमाती है, इंक्लूडिंग टिकटॉक भी कमाती थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी सोशल साइट्स होती है, गूगल होता है, वो पैसे कैसे कमाती है और हमें उस के बदले में क्या देती है, जो हमारा काम है बहुत आसान करती है बट उसके एवज में वो पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाती है और बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में कमाती है, जो कि हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र आ रहे हैं और भी आगे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है इंडिया। इसलिए कोई भी कंपनी अभी इंडिया को छोड़ना नहीं चाहती है, अगर आ गई है तो छोड़ना नहीं चाहती है, और जो नहीं आई है वो नए नए प्रोडक्ट, वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके इंडिया में आ रही है। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये सोशल साइट्स कैसे पैसा कमाती है, इससे रिलेटेड आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो कि एडवर्ड के थ्रू से पैसे कमाती है, ब्रांड प्रमोशन के थ्रू से पैसे कमाती है, जो उसका एड का प्रोग्राम चलता है अलग से, गूगल का एडवर्ड चलता है, फेसबुक का एड कैंपेन चलता है, उस तरह से ट्विटर का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, सारे का एड कैंपेन चलता है अलग से, उसका साइट्स होती है और अलग से उसमें अकाउंट क्रिएट करके वो कोई भी चीज़ का ऐड करती है, इसके थ्रू से उसको पैसा इनकम होता है। तो उम्मीद है अच्छा से सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सोशल साइट्स पैसा कमाती है और कैसे हमारे गूगल सेवा देती है या फिर फेसबुक हमारे कुछ भी अपना अपने साथ साथ वो हमारे बेनिफिट करवाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।